press the bell icon for all the updates. सबसे entertaining, well entertaining तो काफी लोग change होते रहे हैं, but entertaining पहले शुरू में आकाश थे, but अब आकाश नहीं रहे हैं, तो love. ओके, सबसे सीधा घर वाला. सीधा तो कोई नहीं है घर वाला, आई थिंक. लेकिन सीधा मुझे शिल्पा लगती है, मुझे वो अच्छी लगती है, जैसी है वो वैसी है. ओके, सबसे ऑनेस्ट. ऑनेस्ट तो कोई नहीं है, अगर ऑनेस्ट होते तो फिर वो बिग बॉस में तो डेफिनेटली नहीं होते. अच्छा, फेक मुझे पुनीश लगता है, बिकॉज आई थिंक पुनीश इज प्लेइंग टू मच माइंड गेम्स, और वो शायद ही इज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ गाय जो वो क्या कहते हैं, थाली का बैंगन जो इधर उधर लोटता पोटता रहता टाइप्स. आई थिंक ही इज द वन. विकास गुप्ता डेफिनेटली. आई मीन हैट्स ऑफ टू मिस्टर विकास गुप्ता. आज मैं मान गई बिग बॉस देखने के बाद कि उनसे ज़्यादा अच्छे क्रिएटिव हमारी फील्ड में डेफिनेटली नहीं है. मतलब इज परफेक्ट. आई लव हिज माइंड गेम्स एंड ऑल. अच्छा, लास्टली अगर आपको किसी को घर से निकालने का चांस मिले तो आप किसको अब घर से बाहर देखना चाहेंगे? अगर अभी जो सारे कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से अगर मेरे को निकालने का मौका मिले, सो आई थिंक मैं सबके जो वो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, मैं उन सारे ग्रुप्स के जो पार्टनर्स हैं उन सबको मैं बाहर भेजना चाहूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि ये बिना ग्रुप के, बिना अपनी पार के, बिना अपने ये ग्रुपिज्म के ये क्या कर सकते हैं, क्या नया दिखा सकते हैं ऑडियंस को, और ये कैसे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे शिल्पा पुनीश का ग्रुप है, सो आई वॉन्ट टू मे बी थ्रो पुनीश आउट, और जैसे अगर प्रियांक वगैरह का, इनका तीन का ग्रुप है, तो मैं इनके ग्रुप को तोड़ना चाहूँगी. मतलब बेसिकली मैं ये ग्रुप तोड़ के फिर मैं देखना चाहती हूँ एज ए इंडिविजुअल ये जो इनकी पर्सनैलिटी है वो कैसी निकल के आएगी और ये आपस में क्या कर रहे हैं. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच. मैं बिग बॉस हाउस के लिए डेफिनेटली नहीं बनी. आई मीन आई लव वॉचिंग बिग बॉस, ऐसा नहीं है. आई लव वॉचिंग बिग बॉस, मुझे बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम पास लगता है. आई थिंक मेरे को डेली सोप इतने अच्छे नहीं लगते होंगे जितना मुझे बिग बॉस देखना पसंद है, बट बिग बॉस में जाना नहीं नहीं, इतना वो कहते हैं दिमाग में मैं जोर और ट्रामा में नहीं जा सकती. So I'm definitely not for Big Boss.